तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं ब्लैक पेपर पे। तो ये पेपर है, इसको हम कस्टमाइज करके बनाएंगे ब्लैक पेपर में। कुछ इस तरह से मैंने ट्राई किए थे, देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये यहाँ पर भी और इस पेपर पे भी आप देख सकते हैं। मैंने पहले वाटर कलर जो होता है ना, उससे मैंने इसको ब्लैक करने की कोशिश की ली। उसके ऊपर से मैंने अपसा ग्लास मार्किंग पेंसिल और यूज़ किया था, तो इस तरह का दिखा रिजल्ट, काफ़ी ख़राब लगा ये। उसके बाद मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो उसके बाद मैंने ली सॉफ्ट चारकोल, उसके बाद मैंने इसको कलर करके देखा ब्लैक में। उसके बाद मैंने ऊपर से यूज़ किया अप्सरा का पेंसिल का यूज़ किया था, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। उसके बाद मैंने यूज़ किया चॉक का, तो उसके ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे से इफेक्ट दिख रहे हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम किसी चॉक का यूज़ करके इस ब्लैक पेपर पर ड्रॉ करने वाले हैं। हम कस्टमाइज करेंगे इस चारकोल पेंसिल से और अपने वाइट पेपर को करेंगे ब्लैक। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी इसमें, और उसके ऊपर से चॉक का यूज़ करके हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो कैसा रिजल्ट होगा वो तो पता नहीं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हो सकता है। और जैसा भी रिज़ल्ट होगा, अच्छा खराब, वो आप देखना है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होने वाला है रिज़ल्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम ड्राइंग को। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने पेपर को थोड़ा छोटा कर लिया, क्योंकि अगर अच्छी ड्राइंग ना हो लास्ट में जाकर तो पेपर थोड़ा बच भी जाए। पेपर का यूज़ नहीं है लेकिन चारकोल थोड़ी बच जाए। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसे ब्लेंडिंग स्टम का बहुत यूज़ किया मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही, ब्लेंडिंग स्टम काफ़ी ज़्यादा काम आया है उसे ब्लैक करने में मुझे, तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे भी। आपको थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा किसी जगह से, क्योंकि मैंने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर रखा है। अब मैं फ़ोन का फ्लैश को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये लग रहा है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, ब्लेंडिंग स्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। ब्लेंडिंग स्टम का हाल देख सकते, बिल्कुल काला हो चुका है। तो चलिए अब इस पर ड्रॉ करते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला, वीडियो को छोड़ के मत जाना गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। तो गाइस कुछ इस तरह की ड्राइंग बनी आई कि जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुका है इस चॉक का, और चारकोल का भी बहुत उड़ा है ये। तो चलिए मैं आपको वीडियो में थोड़ी सी आगे बात करता हूँ इसके ड्राइंग के बारे में। तो गाइस ड्राइंग कुछ ऐसी बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इरेजर के रूप में, मैं ब्लेंडिंग स्टफ का यूज़ किया इसमें, जहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्या कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं इससे पेपर को ऐसा करना, उसके बाद उसके ऊपर से चौक से प्रिंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। 20 मिनट में मैंने इस आई को कंप्लीट कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा आप चैलेंजिंग था ये। अगर आपके पास ऐसा आइडिया और भी है तो मैं जरूर बताएं, मैं उसको ट्राई जरूर करूँगा हो सकेगा तो। अगर आप भी ऐसे आइडियाज ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग करना इंस्टा पर अगर आप डालते हैं। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।